लो बच्चों, गुड आफ्टरनून। रूलर्स एंड बिल्डिंग्स हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर एक पिक है आपके सामने। गुड आफ्टरनून शुभांगी त्रिपाठी जी, गुड आफ्टरनून पप्पू शर्मा जी, गुड आफ्टरनून मुस्कान कंवर जी, गुड आफ्टरनून। तो 1850 का ये मैप है शाहजहानाबाद का, जहाँ पर एम्परर्स रेसिडेंस हुआ करता था, राजा रहा करता था। ये पूरा मैप है, आप देख सकते हैं इसको। द सिटी अपीयर्स टू बी वेरी क्राउडेड बट डिड यू नोटिस द मेनी लार्ज गार्डन्स एज वेल। कि शहर पूरा क्राउडेड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लोग रहने वाले हैं, पर कुछ गार्डन्स भी हैं यहाँ पर, अगर देखेंगे आप बोर करके तो बहुत सारे गार्डन्स हैं। तो कैन यू फाइंड द मेन स्ट्रीट एंड द जामी मस्जिद। ये मेन स्ट्रीट है, कुछ गार्डन्स हैं यहाँ पर, तो ये आप अपनी बुक में देखिए और पता लगाइए जामा मस्जिद कहाँ पर है, मेन स्ट्रीट कौन सी है और कौन कौन से पार्क हैं। दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म एज अ मीन्स टू कंट्रोल द एक्सेस दैट नोबल्स हैड टू द रिवर इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली। द इम्पीरियल पैलेस कमांडेड द रिवर फ्रंट, ओनली स्पेशली फेवर्ड नोबल्स लाइक दिस एल्डेस्ट सन दारा शिको वर गिवन एक्सेस टू द रिवर। All the others had to construct their homes in the city away from the river Yamuna. अब उस समय क्या है, ज़्यादातर लोग शौकीन हुआ करते थे नदियों के किनारे घर बनाने के, तो राजा ज़्यादातर लोगों को परमिशन नहीं देता था कि वो नदियों के किनारे अपनी कोठी या घर बना सकें। ज़्यादातर लोगों को नदी से दूर घर बनाना रहता था, कुछ ही लोगों को परमिशन दी जाती थी। शाहजहाँ के समय यमुना नदी के किनारे घर बनाने का सिर्फ दारा शिकोह को परमिशन था, बाकी को नहीं दिया गया परमिशन कि वो अपनी कोठी या घर बना सकें। तो यहाँ पर देखिए रीजन एंड एम्पायर के बारे में बात की जा रही है। ये इंटीरियर टेम्पल ऑफ गोविंद देव इन वृंदावन, वृंदावन में 1519 का है। द टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ रेड सेड स्टोन, नोटिस द टू आउट ऑफ फोर इंटरसेक्टिंग आर्क्स दैट मेड द हाई सीलिंग रूफ। दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ईरान एंड वॉज यूज इन फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ पर एक डिज़ाइन आपको दिख रही है, इस प्रकार की डिज़ाइन वृंदावन में आपको मंदिर में देखने को मिलेगी। ऐसी डिज़ाइन उस समय खुराशान जो ईरान है वहाँ पर देखने को मिलती थी कि फतेहपुर सीकरी में। तो रीजन एंड एम्पायर, तो एज अ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज्ड बिटवीन द 8th and 18th century देयर वॉज ऑल्सो अ कंसिडरेबल शेयरिंग ऑफ आइडियाज अक्रॉस रीजन। तो द ट्रेडिशन ऑफ वन रीजन वर अडोप्टेड बाय अनदर इन विजयनगर। फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूरल्स वर strongly influenced by the style of architecture found in adjoining sultans of Bijapur and Golconda. In Vrindavan near Mathura, temples were constructed in architectural style that were very similar to the Mughal palace in Fatehpur Sikri. तो यहाँ पर बताया गया है उस समय क्या है, कुछ architectural functions हुआ करते थे,
जो जगह के हिसाब से डिसाइड होते थे। वृंदावन का एग्जाम्पल ले, जो फतेहपुर सीकरी से इंस्पायर था, वहीं पर बीजापुर और गोलकुंडा साउथ इंडिया से इंस्पायर था। तो जब कोई आर्किटेक्चरल फंक्शन चलता था तो आसपास उसी प्रकार की इमारतें बनती थी। जैसे होता ना कि शहर में किसी एक का घर बहुत अच्छा दिख रहा है तो उससे इंस्पायर होकर बाकी लोग भी वैसे ही घर का कंस्ट्रक्शन करवाने लग जाते हैं ताकि अपने घर को भी वैसा ही दिखाएं। तो ये कि परंपरा है, जब एक बनाता है तो बाकी लोग उससे देखे देख उसके देखे देख उसी प्रकार से मकान बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होता है, पहले भी होता था, आज भी होता है। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन्स अंडर दियर रूल हेल्प्ड इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म एंड आर्किटेक्चरल सिस्टम। मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडॉप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल इन दियर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ऑन बिल्डिंग्स। इन बंगाल फॉर एग्जाम्पल द लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड अ रूफ दैट वॉज डिजाइन टू रिजेंबल अ थेज्ड हट। द मुगल्स लाइक दिस बांग्ला डॉम so much that they used it in their architecture. The impact of other regions was also evident. So in Akbar's capital at Fatehpur Sikri, many of the buildings show the influence of the architectural styles of Gujarat and Malwa. तो देखिए उस समय क्या होता था, राजा महाराजा जब अलग अलग जगह विजिट करने जाते थे तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के स्टाइल्स में बिल्डिंग बनी हुई होती थी, तो खासकर मुगल वहाँ से कॉपी करते थे। जैसे बंगाल का एग्जाम्पल दिया, बंगाल में जब अकबर घूम रहे थे तो उन्होंने एक हट देखी, हट उसका डिज़ाइन इन्हें बड़ा पसंद आया तो बस उसको हूबहू इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बना दिया। फतेहपुर सीकरी में आप अगर देखेंगे तो ज़्यादातर जो इमारतें हैं अकबर के द्वारा बनाई गई वो कॉपी है गुजरात और मालवा की इमारतों की। मालवा और में गुजरात में जिस प्रकार की इमारतें बनाई गई थी उसकी हूबहू कॉपी कर ली गई कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ पिक हैं, ये पिक बताई गई जिसमें ईवन दो द अथॉरिटी ऑफ मुगल रूलर्स वांटेड इन द 18th सेंचुरी द आर्किटेक्चरल स्टाइल डेवलप्ड अंडर दियर पेट्रोनेज वर कॉन्स्टेंटली यूज्ड एंड अडॉप्टेड बाय अदर रूलर्स वेन एवर दे ट्राइड टू एस्टेब्लिश देयर ओन किंगडम। डेकोरेटेड पिलर्स एंड स्ट्रट्स होल्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द रूफ इन जोधबाई पैलेस इन फतेहपुर सीकरी दिस फॉलो आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ गुजरात रीजन। तो ये गुजरात का कॉपी है। ठीक, अब हम चर्च की बात करेंगे। अभी तक हम मुगलों के द्वारा बनाई हुई इमारतों की बात कर रहे थे, लाल किले की हमने बात की, ताजमहल की हमने बात की, हुमायूं के टॉम की हमने बात की, उसके अलावा सम बिल्डिंग्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर उनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम चर्च की बात करेंगे, पर उससे पहले आज का पहला प्रश्न पूछ लेते हैं, देखते हैं कौन आंसर देता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले फतेहपुर सीकरी की बात की थी, तो फतेहपुर सीकरी किस राजा की राजधानी थी, आपको उस राजा का नाम बताना है जो फतेहपुर सीकरी में, ये फतेहपुर सीकरी को उसने अपनी कैपिटल बना रखी है। चलिए नामित शर्मा का आंसर सबसे पहले। क्या आंसर है? अकबर।
यहाँ पर आंसर दिया गया गगन मौर्य के द्वारा, गगन मौर्य। तो फ्रॉम द 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट्स बिगेन इन फ्रांस टू बिल्ड चर्च देट वर टॉलर एंड लाइटर देन अर्लियर बिल्डिंग्स। तो 12वीं शताब्दी से ही फ्रांस में ये कोशिश की जा रही थी कि ऐसे चर्च का निर्माण किया जाए जो बाकी की इमारतों से ऊंचे हों, बड़े हों। दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल नोन एज ए गोथिक वॉज डिस्टिंग्विश्ड बाय हाई पॉइंटेड आर्क्स। तो द यूज ऑफ स्टेन्ड ग्लास ऑफन पेंटेड विथ सीन ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल एंड फ्लाइंग बटरसेस, तो टॉल स्पायर्स एंड बेल टावर्स विच वर विजिबल फ्रॉम अ डिस्टेंस वर एडेड टू द चर्च। तो जो चर्च हैं उनको उस तरीके से बनाया गया जिससे कि वो स्प्लेंडिड दिखे, शानदार दिखे और देखने वालों की लोगों की नज़र में इस तरीके से चढ़ जाएगी लंबे समय तक लोग नहीं भूल पाए। जैसे मैंने आपको आगरा के ताजमहल का बताया था कि अगर एक बार आप आगरा का ताजमहल देख लें तो लंबे समय तक आप इसको नहीं भुला सकते। देखिए ये कुछ चर्च का है, लुक एट द इलस्ट्रेशन एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई द बेल टावर्स। तो ये बेल टावर्स हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किए गए थे, किस प्रकार से चर्च का उस समय निर्माण हुआ। तो वन ऑफ द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल इज द चर्च ऑफ नोटरी डेम इन पेरिस। ये कहाँ की पीक है? पेरिस की। विच वॉज कंस्ट्रक्टेड थ्रू सेवरल डिकेट्स इन द 12th एंड 13th सेंचुरी। तो 200 साल में बनकर ये कंप्लीट हुआ था। समझ सकते हैं आप इस चर्च को बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, कितना पैसा लगा होगा, कितना समय लगा होगा। तो आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया यार, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, हमारा चैप्टर तो काफ़ी बड़ा था। चलिए अच्छी बात है अगर हो गया है तो। तो इमेजिन यू आर एन आर्टिशन स्टैंडिंग ऑन ए टाइनी वुडन प्लेटफॉर्म हेल्ड टूगेदर बाय ए बैम्बू एंड रोप 50 मीटर्स अबव द ग्राउंड। यू हैव टू प्लेस एन इंस्क्रिप्शन अंडर द फर्स्ट बालकनी ऑफ द कुतुब मीनार। हाउ वुड यू डू दिस? ये इमेजिन करना है आपको, कुतुब मीनार पर आप खड़े हैं तो आप क्या करेंगे? देखो क्या कहा गया है कि आप आर्टिशन हैं और आप एक वुडन प्लेटफॉर्म में खड़े हैं जो कि बैम्बू का बना हुआ है और ये करीबन 50 मीटर अबव है ग्राउंड से, मतलब 150 फीट ऊंचाई पर। तो यू हैव टू प्लेस एन इंस्क्रिप्शन अंडर द फर्स्ट बालकनी, आपको पहली जो बालकनी है उसको इंस्क्रिप्शन लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे बताइए? क्वेश्चन आंसर है, लेट्स रिकॉल हाउ इज द ट्रिबिट प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर डिफरेंट फ्रॉम द आर्क्यूएट। ये प्रश्न है, पहला बताया था मैंने आपको व्हाट इज द शिकारा, व्हाट इज द पिटराड्यूरा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मुगल चारबाग गार्डन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं चारबाग के बारे में। हाउ डिड अ टेम्पल कम्युनिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ किंग, आई टोल्ड यू कि मंदिरों को क्यों टारगेट किया जाता था। एंड इंस्क्रिप्शंस इन शाहजहांस दीवाने खास इन दिल्ली स्टेटेड इफ देर इज अ पैराडाइज ऑन द अर्थ इट इज हेयर इट इज हेयर इट इज हेयर हाउ वॉज द इमेज क्रिएटेड। तो भैया शाहजहां का दरबार है, वहाँ पर लिखा हुआ अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यहीं पर है, वो यहीं पर है। तो उस इमारत को या उस तख्त को बनाया गया था तो कैसे उसको बनाया गया था ताकि लोगों को ये बात सच लगे। हाउ डिड द मुगल कोर्ट सजेस्ट दैट एवरी वन द रिच एंड द पुअर द पावरफुल एंड द वीक रिसीव्ड जस्टिस इक्वल फ्रॉम द एम्परर। व्हाट रोल डिड यमुना प्ले द ले आउट ऑफ न्यू मुगल सिटी शाहजहानाबाद द रिच एंड पावरफुल कंस्ट्रक्ट। ये सब प्रश्न हम डिस्कस कर चुके हैं पढ़ाने के दौरान, तो आपको अपनी डायरी में मेंटेन करना है बच्चा लोग, ठीक है? ये सारे प्रश्न आप अपनी डायरी में मेंटेन कर लीजिएगा। आज का दूसरा और तीसरा प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल से, कल तो नहीं, अब आपका लेक्चर रहेगा परसों, ठीक है? एक दिन छोड़ के हम ले रहे हैं, एक दिन सिक्स एक दिन सेवन, तो सैटरडे के दिन आपकी क्लास लगेगी, सैटरडे के दिन हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हाँ देखते हैं, आप हिस्ट्री नहीं करेंगे। चलो आज का दूसरा प्रश्न है, शाहजहानाबाद में सिर्फ एक ही इंसान का जिक्र है जिसे यमुना नदी के किनारे महल बनाने की परमिशन मिली थी, तो क्या आप उस इंसान का नाम बता सकते हैं? हु वॉज दैट पर्सन हु गॉट द परमिशन टू कंस्ट्रक्ट हिज होम एट द बैंक ऑफ यमुना दैट टाइम।
बड़ा सिंपल सा आंसर है, किसने आंसर दिया है? नो, फतेहपुर सिकरी नहीं, फतेहपुर सिकरी तो राजधानी थी। हाँ आंसर दिया, दारा शिकोह आंसर दिया, अकबर गलत आंसर है। दारा शिकोह, कनिष्का खटिक, कनिष्का सिंह होगी अगर मैं गलत नहीं होगी। कनिष्का खटिक अलग बालिका है, कनिष्का खटिक कनिष्का सिंह ही है क्या? एक बार बताएं हमें, कनिष्का यह अलग बालिका है? दारा शिकोह इज द राइट आंसर। कशिश राणा, ना ना ना, शिवानी कश्यप का आंसर सही है। शिवानी कश्यप, शिवानी कश्यप, आज का तीसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न। अभी हमने एक चर्च का जिक्र किया था, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो चर्च किस कंट्री का था, किस देश का था? अभी हमने एक चर्च की पिक देखी थी, कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट कंट्री जहां से वो चर्च बिलोंग करता है? कंट्री बेटा, नॉट जगह, मैंने कंट्री का नाम पूछा है। नोटरडम तो है पर वो किस देश में है? बेटा पेरिस कंट्री नहीं है, पेरिस सिटी है, वो पेरिस यूएसए में भी नहीं है। ठीक है ठीक है, कनिष्का खटिक जी, हाँ फ्रांस, कहाँ पर है? फ्रांस में। क्रिटिकल एक्स, अब तुम्हारा नाम बताओ तो हम नाम लिखे बेटा, ऐसे क्रिटिकल एक्स तो हम लिखेंगे नहीं। फ्रांस में, कहाँ पर है? फ्रांस में। यार क्या है, शिवानी कश्यप, शिवानी कश्यप को देख पॉइंट मिल गया है, गगन मौर्य को मिल गया, शिवानी कश्यप को भी मिल गया है, और दोनों ने आंसर दिया है इधर। हाँ रेखा शर्मा, रेखा शर्मा, हाँ तो शिवानी कश्यप आपको पॉइंट दो तो दिया, आपका नाम लिखा तो है। क्यों जान खा रहे हैं बालिका, क्यों जान खा रहे हैं?
भैया हमने अमरेंद्र, अगर आप सिक्स क्लास में हैं तो आपको पॉइंट का मतलब ही नहीं बन पाता, क्योंकि लिस्ट सेवन क्लास में बनेगी। ठीक है, आर यू श्योर कि अमरेंद्र आप सेवन्थ में हो? मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, लिस्ट में आपका सेवन्थ में ही जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आप दूसरी क्लास में आंसर देते हो ना तो आपका उसी क्लास में जाता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है अगर आप बोल रहे हैं, हम आप पे यकीन कर रहे हैं। भाई जय श्री राम।